वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सवाल है कि रोज़े की हालत में डायलिसिस कराना, सवाल कि रोज़े की हालत में डायलिसिस कराना दुरुस्त है या नहीं, उससे रोज़ा फासिद होगा या नहीं। तो जवाब ये है कि बवक्ते ज़रूरत डायलिसिस कराना दुरुस्त है और उससे रोज़ा फासिद नहीं होता, क्योंकि इस अमल का ताल्लुक सिर्फ खून की सफाई से है, बराह रास्त मैदे में इससे कोई चीज़ दाखिल नहीं होती है, यानी पेट का जो मैदा है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, खून की सफाई होती है एक तरीके से इसमें, इसलिए इसमें कोई लेना देना या मैदे से पेट से कोई लेना देना नहीं है। करा सकते हैं, कोई ऐसा कोई हर्ज नहीं है। ये बात फतावा तातारखानिया के अंदर लिखी हुई है। और उसके बाद एक सवाल दूसरा है, ऑक्सीजन लेना, कि रोज़े की हालत में ऑक्सीजन लेना कैसा है। तो उसका भी जवाब ये है कि ऐसी ऑक्सीजन लेना जो खालिस हो और इसमें अद्वियात की अज्जा शामिल ना हो, तो ऐसी ऑक्सीजन लेने से रोज़ा नहीं टूटता है। यानी ये बात ज़रा ध्यान रहे कि इसमें शर्तें क्या लगाई हुई है, कि इसमें जो है कोई दवा वगैरह ना हो या इसी तरीके से खाली ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन का मतलब हवा, सांस, तो खाली ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन हो तो सही है, रोज़ा फासिद नहीं होगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें दवा शामिल है और सब चीज़ें हैं तो इसमें दिक्कत हो सकती है। और दूसरा ये कि रोज़े में इंसुलिन लगाना, सवाल रोज़े की हालत में शुगर के मरीज़ का इंसुलिन लगाना कैसा है। जवाब ये, शुगर के मरीज़ का रोज़े की हालत में इंसुलिन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है, इंसुलिन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है।